थिंक बिफोर यू आर राइटिंग, ये नहीं कि लिखते लिखते जो फ्लो ऑफ वर्ड्स आ रहा है माइंड वो लिख दिया. अगर आप डेफिनेशंस लिख रहे हो तो आप उन डेफिनेशंस को समझ के अपनी एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में लिख रहे हो. काफी बार अपने ही नोट्स पढ़ के बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या लिखा है. Hey everyone, in today's video we are going to talk about how to make notes for data structures and algorithms. So before discussing about that, let me give a brief intro about myself. So as I said, my name is Tripti. I'm a third year BTech undergraduate at Delhi Technological University. I'm currently pursuing computer engineering and I'm also an upcoming SD intern at Microsoft for summer 2022. So this was about my introduction. So before moving on to the actual thing, let's discuss about like why is it necessary to make notes, क्यों बनाने चाहिए. सो अ वेरी सिंपल थिंग इज इन्वॉल्व्ड कि यार सिर्फ एडिटोरियल्स पढ़ लेने से या वीडियोज़ देख लेने से या ओरल रिविजन ऐसे पढ़ लेने से नहीं चीज़ें समझ आती हैं. दिस इज़ नॉट इनफ. सो ताकि हमें जो हमने सीखा है, हमने पढ़ा है, वो हमारे दिमाग में वेल रिटेन्ड रहे, अच्छे से हमें याद रहे, दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी मच नेसेसरी कि वी मेक नोट्स. बिकॉज मेकिंग नोट्स डजेंट ओनली इन्वॉल्व जस्ट राइटिंग समथिंग ऑन योर रजिस्टर और मे बी ऑन योर लैपटॉप. इट एक्चुअली इन्वॉल्व्स कि उसकी प्रॉपर स्टडी कर रहे हो आप. अगर आप डेफिनेशंस लिख रहे हो तो आप उन डेफिनेशंस को समझ के अपनी एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में लिख रहे हो. सो दैट इज़ वाई राइटिंग नोट्स हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर एंड ग्रास्प द कॉन्सेप्ट्स मोर इजली. सो नाउ वील मूव ऑन टू लाइक हाउ टू स्टडी, लाइक कैसे नोट्स बनाने चाहिए और कैसे पढ़ते वक्त उसको बनाना चाहिए. सो मे we'll move on to the next part. So you can do it with your laptop as well as your register. So while either watching a video or reading an editorial, make sure that you study something. Whenever you're studying something, make sure to write down your thoughts as you move forward. Like it doesn't need to be clean because these are not your actual notes. But whenever you're studying something which is very complicated or requires a lot of focus or brainstorming, then it's best to scribble on your rough register. Because like it helps you to understand things better and find new observations and patterns quickly. It can be a theory part, and even for codes you can write the steps involved while writing the code. So I always suggest ki doing it on your rough register helps you to understand things better, ya fir observations easily mil jati hain. So this was about studying the topic. Next we'll talk about how to make notes, kaise banane chahiye. So let's move on to that part. सो नाउ वील डिस्कस कि वंस यू स्टडीड अ टॉपिक, तो अब उसके आप नोट्स बनाना स्टार्ट करते हो. तो सबसे पहली चीज़ आप क्या करते हो, बेसिक डेफिनेशंस या फिर बेसिक कोड्स. ठीक है, सो वील डिस्कस कि उनको कैसे लिखना है. सो वंस यू स्टडीड अ टॉपिक और यू रिटन अ कोड, जस्ट रिकॉल इन योर हेड द वेरी बेसिक डेफिनेशंस और द सब टॉपिक्स दैट यू स्टडीड विदाउट लुकिंग एट द लाइक जो भी आपने रिसोर्स यूज करा है. जैसे मान लो इफ एट ऑल यू स्टडीड आरी, तो आपके दिमाग में जो जो चीज़ें आ रही हैं कि हिंदी में सोचो, इंग्लिश में डजंट मैटर, कि कॉन्टिग्यूस मेमोरी लोकेशंस होती हैं, इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होती है, अलग अलग डेटा टाइप्स के आप, मतलब ऑब्वियसली सारे एलिमेंट्स एक ही डेटा टाइप के होने चाहिए, बट आप अलग अलग डेटा टाइप्स के एरेज बना सकते हो. सो समथिंग लाइक दिस, जो भी आपके दिमाग में डेफिनेशन आ रही है विद ऑल द की पॉइंट्स, थिंक अबाउट देम एंड देन लुक एट द रिसोर्स यू वर यूजिंग एंड विद द हेल्प ऑफ दैट राइट द फॉर्मल डेफिनेशन. सो व्हाई एम आई सजेस्टिंग टू थिंक ऑफ अ फॉर्मल डेफिनेशन बिफोर एक्चुअली लुकिंग एट द रिसोर्स? बिकॉज वेन यू डू दैट ना, एंड आप जब रिसोर्स को देखोगे कि जो फॉर्मल एक्चुअल में जो दे रखी है, तो यू विल गेट द कॉन्फिडेंस कि हाँ मेरे को ऑलमोस्ट सारी चीज़ें याद थी, थोड़ी बहुत इंग्लिश ऊपर नीचे हुई होगी या जो भी है सेंटेंसेज ऊपर नीचे हुए होंगे, अदरवाइज आई वॉज लाइक मुझे सब समझ आ गया बेसिकली. सो दैट इज़ वाई इंस्टेड ऑफ जस्ट कॉपी पेस्टिंग इट फ्रॉम समवेयर, पहले थिंक अबाउट इट एंड देन राइट इट डाउन. ठीक है, एंड ऑलवेज थिंक बिफोर यू आर राइटिंग, ये नहीं कि लिखते लिखते जो फ्लो ऑफ वर्ड्स आ रहा है माइंड वो लिख दिया. हमेशा पहले सोचो कि हाँ क्या इसका सेंटेंस फॉर्मेशन होगा या क्या इसकी डेफिनेशंस होगी, ताकि आपको बाद में भी समझ आ जाए. काफ़ी बार अपने ही नोट्स पढ़ के बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या लिखा है. सो इसलिए थिंक बिफोर योर राइटिंग. सो दिस वॉज अबाउट द टॉपिक डेफिनेशंस एंड बेसिक कोड्स, उन्हें कैसे लिखना चाहिए. नेक्स्ट वील डिस्कस अबाउट एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, विच इज़ राइटिंग सैम्पल और स्पेशल प्रॉब्लम्स. सो वील टॉक अबाउट दैट. So like if you are studying a topic which is not completely theory based, like if at all you are studying a data structure, let's say, so make sure to write a sample code about it. Like it can be a definition of the data structure, any class which involves, like class ki form mein kaafi baar data structure ko define kar dete hain khud ka jab hum banate hain data structure,
or it can be like a code, a sample code that involves or tells us the basic operations performed on a particular data structure that you're studying. So these codes like help you to understand the concept or the topic you're studying better. Like in case of algorithms, you can write the approach जो कि आप follow कर रहे हो algorithm में, कि algorithm है क्या पहली बात तो. And secondly, you can also write कि like ऐसी कोई बहुत classic problem हो जो उस algorithm पे based हो, तो आप उसको लिख सकते हो. तो उससे क्या होगा कि आप next time when you look at your notes ना, तो आपको याद रहेगा कि सिर्फ approach या algorithm क्या होती है वो चीज़ नहीं, बट अच्छा हाँ उसकी application इस तरीके से होती है, तो वो भी आपको easily remember आप कर पाओगे. So this was about like sample or special problem. So next we'll discuss ki how to separate content. That is like theory or codes ko kaise kaise manage karna ho. So let's say if you've studied a topic, aapne koi data structure hi maan lo pad liya, theek hai. Ab aap kya karte ho, aapne ek aadhi jo unki koi bhi problems thi, sample koi code tha ya koi classic problem thi, aapne likhi. Now since you are gonna do or practice a lot of questions, to unko kaise karna chahiye? See, there are basically two ways you can do it. या तो सेम ही रजिस्टर में कर लो, या फिर यू कैन डू इट इन डिफरेंट रजिस्टर्स. बिकॉज आई पर्सनली प्रेफर टू कीप थ्योरी एंड कोड्स थोड़ा साइड, ताकि इफ इट ऑल आई ओनली वॉन्ट टू स्टडी थ्योरी तो मैं एक ही रजिस्टर देखूँ, एंड इफ इट ऑल आई वॉन्ट टू ओनली लुक एट द कोड्स तो आई कैन जस्ट लुक एट द अदर रजिस्टर. सो अब इसमें अगर हम सेपरेशन कर भी रहे हैं नहीं कर रहे, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, व्हाट यू नीड टू डू इज कि अगर इफ यू टॉल यूर प्रैक्टिसिंग अ प्रॉब्लम इन राइटिंग द कोड और द प्रॉब्लम ऑल्सो इन योर रजिस्टर, देन मेक श्योर कि आप उनकी स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज को भी मैंशन करें. एंड इफ़ यू आर अ बिगिनर और इफ़ द लाइक टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी आ रही हैं, ईजिली दिख नहीं रही हैं, सो यू शुड ऑल्सो राइट द एक्सप्लेनेशन आफ्टर राइटिंग द कोड कि हाँ पहले तो दीज आर द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज एंड दिस इज हाउ वी आर एबल टू फाइंड इट और फाइंड दैम. सो दिस पे थोड़ा ईजिली समझ आ जाएगा. And one important thing after writing the space and time complexities, अगर जो आपने problem करा है कोई बहुत ही basic सा problem है आप कर चुके हो तो नहीं, but अगर कुछ ऐसा है कि आपको कुछ उसमें different सी observation like different सी approach दिखी है, कोई different सा pattern दिखा है कि इस type के pattern के questions भी आते हैं, तो you can study about that approach. आप उस approach को लिख भी लो कि हाँ इस code में ये approach follow हुई है, like two pointer method या two pointer approach use हुई है for example, and उसके बारे में आप और पढ़ सकते हो. आपको उसके बारे में और लिखना हो कोड के नीचे ही लिख लो, छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा पार्ट लिख लो. एंड यू कैन इवन राइट द प्रॉब्लम्स कि हाँ टू पॉइंटर अप्रोच से ये फेमस प्रॉब्लम्स जो हैं होती हैं, तो उससे क्या है कि द नेक्स्ट टाइम यू ओपन योर रजिस्टर तो यू नो कि हाँ आपको अब क्या प्रैक्टिस करना है, कि आप ऑलरेडी क्या कर चुके हो और आपको और क्या प्रैक्टिस करना है. सो दिस वे यू विल बी एबल टू प्रैक्टिस एंड कीप ट्रैक ऑफ ऑल द क्वेश्चंस दैट यू आर डूइंग एंड द डिफरेंट थिंग्स दैट यू आर लर्निंग फ्रॉम दैट क्वेश्चंस. कि सिर्फ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दिया, कोड ओके रन हो गया, नहीं, उससे कुछ सीखना है और जो सीखना है सीखा है उसको नोट डाउन भी करना था कि आगे भी याद रहे. सो दिस वाज अबाउट सेपरेटिंग द कंटेंट. सो नेक्स्ट पोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज आफ्टर यू रिटन योर नोट्स ऐसे, अब इनको रिवाइज कैसे करना है. मैं फुल रिविजन वो नहीं बता रही, बट इसके बाद थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि जैसे ही आपने नोट्स लिखा उसके बाद एक क्विक रिविजन कैसे करनी. After you've written your notes, make sure to take a moment, like कुछ खा पी कर आओ आराम से, and then don't open your register, या फिर आपने कहीं मान लो लैपटॉप पर लिखा है तो don't look into it directly. First of all, what you have to do is कि whatever you remember, जो भी आपने मान लो कोई डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा था, let's say you study diaries, तो आपके दिमाग में जो जो चीज़ें आ रही हैं उन सबको रिकॉल करो, एंड इवन यू समथिंग टू स्क्रिबल अपॉन इट इज वेल, मतलब कुछ कुछ अगर लिखने का हो, लिख कर याद करने का हो तो वो भी देख लेना. बट अदरवाइज आपको पूरा रिविजन करना है अपने माइंड में वाइल स्पीकिंग इट आउट लाउड. लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ यू स्टडीड एरेस, सो बोलो कि मतलब ऐसे यू कैन से कि हाँ कॉन्टिगुअस मेमोरी लोकेशंस होती हैं, इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होता है, एंड ऐसे मतलब कैसे स्टोर कर सकते हैं, वी कैन डिलीट एंड ऐड, लाइक एवरी थिंग विच इज कमिंग ऑन टू योर माइंड जो आपने पढ़ाओ उसको पूरा गो थ्रू कर लो इन योर माइंड वाइल स्पीकिंग इट आउट लाउड. वाई एम आई एम्फसाइजिंग ऑन स्पीकिंग इट आउट? बिकॉज अगेन जो आप बोलते हो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहता है. सो वेन यू डू दिस तो थोड़ा अच्छे से रिटेन कर पाओगे चीज़ों को. एंड इफ एट ऑल यू गेट स्टक समवेयर कि कुछ याद नहीं आ रहा है, या फिर अगर आपके अकॉर्डिंगली आपने पूरी रिविजन कर ली है, देन ओपन द नोट्स दैट यू मेड एंड उसमें से जाके चेक करो कि इफ एट ऑल यू मिस्ड आउट ऑन समथिंग, या फिर कुछ इनकरेक्टली आपको समझ आया हो या ढंग से समझ नहीं आया हो, तो इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा. So this was all about making notes and how to do a quick revision at the end of it. So obviously
only making notes isn't enough, but this will surely help you. Practice as much as you can, and I hope this video helped you in some way or the other. So that's it from my side. Thank you, everyone. Hope it helps, and have a nice day.